फिल्मी नगरी के अनगिनत फिल्मी परिवारों की अपनी अलग अलग पहचान है। कुछ परिवार तो आज भी फिल्मों पर राज करते हैं और कुछ परिवार काल के पर्दे के पीछे गुम हो चुके हैं। प्रसिद्ध एक्टर पृथ्वीराज कपूर से हर कोई परिचित है। बड़ी ही चतुरता से उन्होंने फिल्मी दुनिया में नाम और पैसा कमाया और साथ ही जिस जगह से आए थे वहां से अन्य लोगों को आने को उन्होंने प्रोत्साहित भी किया। भाई हो या पड़ोसी या फिर दोस्त, उन सभी के लिए उन्होंने रोजगार का साधन मुहैया करवाया था। यही नहीं, अपने बूढ़े पिताजी से भी उन्होंने एक दो फिल्मों में एक्टिंग करवाई थी। पर उस दौर में पृथ्वीराज कपूर के छोटे भाई ने वो काम करके दिखाया जिसकी मिसाल ही कुछ अलग है। पर दुर्भाग्य से उनका परिवार, पृथ्वीराज के परिवार इतना आगे नहीं आ पाया। आज हम जिस हस्ती की बात कर रहे हैं वो माइथोलॉजिकल फिल्मों के बेताज बादशाह थे। अभी तक आप समझ गए होंगे कि आज की कहानी प्रसिद्ध एक्टर और पृथ्वीराज कपूर के छोटे भाई त्रिलोक कपूर पर है। दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। अगर आप भी त्रिलोक कपूर की जानकारी का इंतजार कर रहे थे तो इस वीडियो को अभी लाइक करिए। ओ दुनिया के मालिक राम, ओ दुनिया के मालिक राम, तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम। ओ दुनिया के मालिक राम, तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम। त्रिलोक बशेश्वरनाथ कपूर जी का जन्म 11 फरवरी 1912 को पेशावर में पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। उस दौरान पेशावर अविभाजित भारत का हिस्सा था। अब मैं आपको वो बात बताऊंगी जिससे आप अनजान थे। असल में 1909 के साल में जब पृथ्वीराज कपूर 3 साल के थे तब माँ का निधन हो गया। इस कारण से पिताजी बशेश्वरनाथ कपूर को दूसरी शादी करनी पड़ी। दूसरी बीवी से जो संतान हुई वो थे त्रिलोक कपूर। त्रिलोक जी के दादाजी केशवमल कपूर समुद्री शहर के तहसीलदार थे और पिताजी बशेश्वरनाथ पुलिस सब इंस्पेक्टर थे। ये कपूर परिवार इतना अमीर था कि उनका 40 रूम वाली कपूर हवेली आज भी पेशावर में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि त्रिलोक कपूर फिल्म उद्योग से कैसे जुड़ गए। हुआ यूं कि उस दौरान भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। देश के नवयुवक इस मुहिम में हिस्सा ले रहे थे। पेशावर में भी आज़ादी की मांग बढ़ रही थी। इस बीच त्रिलोक कपूर ने भी इस संघर्ष में हिस्सा लिया, पर उनके पिताजी को अपने बेटे की फिक्र थी। जेल या जिवानी से बचने के लिए उन्होंने 1926 के साल में अपने बड़े बेटे पृथ्वीराज को खत लिखा कि अपने छोटे भाई त्रिलोक को भी मुंबई बुला लो। पर वो ये बात नहीं जानते थे कि पृथ्वीराज खुद कोलकाता बसने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पर फिर भी उन्होंने त्रिलोक कपूर को कोलकाता बुलाया और दोनों भाई मिलकर मुंबई गए और फिल्मों में काम करने लगे। पृथ्वीराज ने त्रिलोक को पूरा समर्थन किया। अन्य फिल्मकारों से वो त्रिलोक कपूर को काम दिलाने की कोशिश करने लगे, पर पृथ्वीराज कपूर का फिल्मी सफर शुरू हो चुका था और त्रिलोक कपूर अब भी काम की तलाश में थे। फिर 1933 के जमाने में उन्हें अपनी पहली फिल्म मिली जिसका नाम था घर दरवेश, जिसमें कानन देवी उनकी हीरोइन थी। इसके बाद वो घड़ी आ गई जब माइथोलॉजिकल फिल्मों में उनका नाम शुमार होने लगा। इस विषय में उनकी दूसरी फिल्म सीता रिलीज हुई। 1934 के साल में रिलीज हुई ये फिल्म सुपरहिट हुई, जिसमें भाई पृथ्वीराज कपूर भगवान राम के भूमिका में थे और त्रिलोक कपूर ने लव की भूमिका निभाई थी। फिल्म के हिट हो जाने के बाद भी उन्हें मनचाहा सफलता नहीं मिल रही थी। इस वजह से उन्होंने फिल्म निर्माण में हाथ आजमाया। वो फिल्मकार हेम चंदेल के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने लगे, पर फिल्मों में अभिनय करना नहीं छोड़ा।
1940 के दशक में त्रिलोक छोटे बड़े किरदार निभाते थे, तो वहीं भाई पृथ्वीराज कपूर ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। पर आज़ादी के बाद 1947 के साल में त्रिलोक कपूर की मिर्जा साहिबान फिल्म रिलीज हुई, जो उनकी पहली मेगा हिट फिल्म थी। इस फिल्म में उनकी हीरोइन नूर जहां थी, जो बाद में पाकिस्तान शिफ्ट हो गई। फिल्म के गानों ने भी कमाल कर दिया और 1947 के साल की ये फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। पर 1950 के बाद त्रिलोक कपूर का समय शुरू हुआ। माइथोलॉजिकल फिल्मों के बेताज बादशाह बनने के राह पर उनकी फिल्म हर हर महादेव रिलीज हुई। इस फिल्म में निरुपा रॉय माता पार्वती की भूमिका में थी और त्रिलोक महादेव की भूमिका में थे। इस फिल्म में इन दोनों का किरदार इतना हिट हुआ कि दर्शक उन्हें सच में भगवान समझने लगे थे। रामायण, अलक निरंजन, श्री विष्णु भगवान, श्री गणेश जन, राम जन, माया मच्छिंद्र, ईश्वर भक्ति, दस अवतार, वीर अर्जुन, शिव शक्ति, शिव कन्या, दुर्गा पूजा, इन माइथोलॉजिकल फिल्मों में त्रिलोक कपूर भगवान शिव के भूमिका में लगातार दिखने लगे। पर 1951 के साल में प्यार की बातें ये रोमांटिक फिल्म रिलीज हुई। 1960 और 70 के जमाने में भले ही उनकी बड़ी फिल्में नहीं आई, पर आध्यात्मिक फिल्मों के चलते उनका सिक्का हमेशा चलता था। 1962 में उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस टीके फिल्म्स के अंतर्गत शिव पार्वती फिल्म बनाई, जो सामान्य स्तर पर सिनेमा घरों में चली। पर इसके बाद उन्होंने कोई अन्य फिल्म प्रोड्यूस नहीं की। त्रिलोक कपूर एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने बतौर कैरेक्टर आर्टिस्ट बहुत सारी फिल्में की थी, पर भगवान शिव के भूमिका वाले त्रिलोक कपूर के चेहरे को लोगों ने ज्यादा याद रखा। इस वजह से जब वो नॉन माइथोलॉजिकल फिल्मों में दिखते, तब दर्शक उन्हें पहचान नहीं पाते थे। जैसे कि ये फिल्में कच्चे धागे, नहले पे दहला, चोर चोर, दोस्ताना, सौदागर, सरगम, रास्ते का पत्थर, मैं तुलसी तेरे आंगन की, प्रेम विवाह, दो चोर। फिल्म जगत को 50 साल से भी ज्यादा समय देकर लगभग 1925 फिल्मों में काम करने वाले त्रिलोक कपूर कभी विवाद का कारण भी नहीं बने, और ना ही उन्होंने अपने बड़े भाई पृथ्वीराज कपूर और उनके बच्चों के साथ कोई कंपटीशन की, और हो सकता है कि यही उनकी महानता थी। त्रिलोक कपूर चेंबूर में रहते थे, वहां उनका पुराण बंगला आज भी बरकरार है। उनके दो बेटों का नाम विक्की कपूर और विजय कपूर है। इनमें से विजय नामी फिल्मकार भी रह चुके हैं, तो विकी एक नामी वकील है। अफसोस की बात यह है कि फिल्म जगत में इतना बड़ा सफर तय करने के बाद जब 23 सितंबर 1988 में उनकी मृत्यु हुई, तो उनको याद करने वालों की संख्या भी घटने लगी। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।